पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 चंडीगढ़। कम से कम पिछले 8-9 साल से कर रहे हैं। हाँ, सेहत से पता लग रहा है। आज मैं आया हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 चंडीगढ़। आज मैं उन लोगों की यादें ताज़ा करा दूंगा जो यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं। रेनू, बेबी, सिमल, सोनाक्षी, समोसा, जलेबी, परौठे, छोले भटूरे, सब आज मैं स्टूडेंट सेंटर में लेके जाऊंगा आपको। स्टूडेंट सेंटर चलते हैं, आइए। ये है स्टूडेंट सेंटर, खाने पीने का भरमार, बहुत वैरायटीज मिलेगी आपको यहाँ खाने में। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर, बढ़िया। और मैंने ये पूछना, आप यहाँ पे आते रहते हैं? हाँ बिल्कुल सर, आते रहते हैं। हम लोग यहाँ पे 10 साल से आ रहे हैं लगभग, और मेरी मास्टर्स और पीएचडी यहीं से है। पीएचडी अभी चल रही है, पीएचडी मेरा कंप्लीशन है, तो लास्ट 10 साल से हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। खाना भी खा रहे हैं बढ़िया, और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो होता है यहाँ का जो, वो बहुत बेहतरीन है और बहुत मशहूर भी है, नॉट इन केस ऑफ स्टूडेंट्स, बट बाहर के लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, फैमिलीज़ को। हमें जो सबसे ज़्यादा बेटर अगर कंपैरिजन करें तो मोना रिफ्रेशमेंट का सबसे ठीक रहता है टेस्ट, एकदम प्योरिटी जो सही है इनकी। ऑर्गेनिक शायद यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, एक बार मैंने पूछा था उनसे, चावल वगैरह ये जो सब कुछ है, और पीली दाल खासकर इसकी बहुत स्वाद होती है, और कढ़ी भी बहुत जानदार होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग दाल या मिक्स वेज या और जो पनीर भुर्जी है वो भी ऑसम होती है यहाँ की। शेक्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के शेक्स। आज सबसे बड़ी खास बात यहाँ की ये है कि भी इतना महंगा नहीं है, अफोर्डेबल। अगर बाहर के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे जो क्वालिटी है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है। शेक्स के केस में ले लो, चाहे खाने के केस में ले लो, जैसे साउथ इंडियन में मिलता है यहाँ पे, बाहर वही साउथ इंडियन बहुत महंगा मिलता है। 15 रुपये में परौंठा यहाँ पे बेस्ट मिल जाता है, जो कि मार्केट में 20 रुपये का मिलेगा। बाकी यहाँ पे बाकी बेवरेजेज में काफ़ी अच्छा है, चाइनीज़ जो प्लेट्स हैं वो भी बहुत बेहतरीन होती हैं यहाँ की, मतलब देखा जाए तो। मेरे को 20 साल हो गए यहाँ काम करते करते, काफ़ी पुराने बच्चे आते हैं जो पढ़ के गए हैं वो भी आते हैं, मिलते हैं हमें, अच्छा लगता है। हाय, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड मैं यहाँ पे करंटली पीएचडी स्टूडेंट हूँ फार्मास्यूटिकल साइंसेज से। तो मैं स्टूसी काफ़ी 4-5 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। तो पकवान मील और फ्रेश बाइट मेरे फेवरेट है, साथ में जो नेस्कैफे की कॉफ़ी होती है वो भी बहुत अल्टीमेट होती है। और यहाँ पे बैठ के खाने का, खड़े होके खाने का एक मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि सारा यूथ यहाँ पे होता है, तो आपको एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छा मिलता है। और साथ में शेक क्लब है, वहाँ का ओरियो शेक सबसे बेस्ट है, चौको फज सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा कहा जाए तो यहाँ का एक एनवायरनमेंट ही बहुत सूदिंग होता है, बहुत प्लेजेंट होता है, तो जब भी यहाँ पे आओ तो यहाँ पे एक अच्छा एक्सप्लोर करने को मौका मिलता है। साथ में लोगों से मिलने का मौका मिलता है, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, कोई फ्लैश मॉब हो रहा हो तो वहाँ पे एक नया एक्सपोजर मिलता है कि क्या क्या चल रहा है लाइफ में। साथ में खाने का और मज़ा और साथ में एनवायरनमेंट का मज़ा, तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ का स्टूसी का। लाइक 2 ईयर्स ऑफ मास्टर्स, बट आई केम हियर लाइक फॉर सिंस लाइक 2-3 मंथ्स। यहाँ के टेस्ट के बारे में बताइए आप थोड़ा सा मुझे। अच्छा, तो यहाँ पे लाइक यू गेट वैरायटी ऑफ फूड हियर, लाइक एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड द टेस्ट इज रियली नाइस, एंड लाइक यू विल फील एट होम। इट्स अ वेरी होमली फूड, वेरी नाइसली कुक्ड, हाइजीनिक ऑल्सो, एंड द टेस्ट इज नाइस। यू विल गेट एवरीथिंग हियर फ्रॉम साउथ इंडियन टू कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इंडियन, दाल चावल, लाइक एवरीथिंग यू विल गेट, एंड द टेस्ट इज रियली गुड। थैंक यू। और कुछ आप कुछ अगर आपने कुछ कहना? एंड देयर आर वैरायटीज ऑफ दीस ड्रिंक्स एंड शेक्स, many things you can try, many things here, that's the good thing about the Stussy. Mona refreshment ke paas jo chai wala hai wo uski chai ki jo hai na bahut acha hai, chai mein koi change nahi aata, optimum chai banata hai wo, har din same taste, same chini, same sab kuch rehta hai, koi upar niche nahi hota। aisa nahi hai, yahan pe sirf student aa sakte hain, yahan pe bahar se bhi koi aa sakta hai, yahan pe agar kisi ko taste pasand hai yahan ka, aaiye ab main aapko leke jata hu Punjab sweets mein।
हाँ जी अंकल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटे, सत श्री अकाल। अंकल जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम भूपिंदर सिंह। ये शॉप बेटे मेरे से भी 2 साल बड़ी है। आई वॉज बॉर्न इन 56, तो पापा लोगों ने ये 54 में शुरू की थी। उन दिनों यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की कोई मार्केट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। यूनिवर्सिटी वालों ने हमें यहाँ 2 क्वार्टर्स दिए थे, जिसमें मेरे पापा यहाँ अपना खाने का और स्वीट्स का काम करते थे, और 2 घर इन्होंने हमें रहने के लिए दिए थे। और सिंस 54 वी आर सर्विंग। ये जो बच्चे हैं, हम भी पंजाब यूनिवर्सिटी जो कैंपस है, इसको तो हम एक अपना परिवार ही समझते हैं, क्योंकि रोज़ बच्चों ने सुबह से लेकर शाम तक आना है। सुबह हम अपना ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, छोले भटूरे होते हैं, उसके बाद समोसे, ब्रेड पकौड़े, पनीर पकौड़े, स्नैक्स प्लस स्वीट्स, और गर्मियों में लस्सी, चाय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। दोपहर को जलेबी शुरू कर देते हैं बच्चों के लिए। रात को 9:30 बजे तक ये बेटे काम चलता है। ये समझ लो कि हमारी ये 3री जनरेशन है। मैं यहीं से पढ़ा हूँ, मैंने 79 में डेवलपमेंट में किया है। सिंस देन यही शॉप पे काम कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि सिंस 54 56 प्लस 68 ईयर्स हो गए हैं इस शॉप को। हाँ जी सर, मैंने देखा समोसे खा रहे हैं आप, बड़े ही अच्छे। और कैसा मौसम के हिसाब से खा रहे हैं कि रोज ही खाते हैं? नहीं सर, रेगुलर कस्टमर हैं आगे, कम से कम पिछले 8-9 साल से खा रहे हैं। हाँ, वो सेहत से पता लग रहा है ऐसा ही है जी, बिल्कुल। और आपने क्या क्या ट्राई किया यहाँ पे? क्या मैं ज्यादातर समोसा ही खाता हूँ। अच्छा, गुड गुड जी, ठीक है जी। काफी अच्छी क्वालिटी है इनकी। हाँ जलेबी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने बनते हुए दिखाई थी नॉर्मल जलेबी। हाँ जी भैया, कैसे हो? ठीक है जी, और बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये पनीर पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी, गुड। और सर ये समोसे हैं। ठीक है जी, वेज कटलेट है, ब्रेड पकौड़ा, मिक्स पकौड़ा। ये पनीर पकौड़े निकलने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। गुड गुड। और क्या टाइमिंग है आपका यहाँ पे? जी, सुबह 7 बजे खोल देते हैं हम इस दुकान को, और 7 बजे खोलने के बाद अपना थोड़ा काम हम अड्डा लगा लेते हैं। फिर अड्डा लगाने के बाद चाय आए पी के, उसके बाद 8 बजे से काम शुरू हो जाता हमारा, बनने का पकवान का सामान। तो ये बनाने के बाद फिर ये चालू रहता है जी 8 बजे से, लगभग करीबन 9:30 बजे हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ से ये स्टूडेंट आते हैं सिर्फ कि बाहर से भी आते हैं? बाहर से भी आते हैं जी, यहाँ से सामान ले जाते हैं, बहुत सालों से ले जाते हैं। और 19 साल मेरे को भी होने को जा रहा है यहाँ पर, मैं यहीं पर काम करता हूँ। और इसलिए बाहर से भी बहुत आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, उत्तराखंड से, और बाहर राजस्थान, बाहर दूर दूर से आते हैं, गुजरात से भी आते हैं। यहाँ पर सामान ऑर्डर भी दिया जाता है जी, जैसे कि शादी में मिठाइयाँ जाते हैं इधर से, और समोसे पकौड़े जाते हैं। मास्टर वाले ना वो बड़े अच्छे बोलते हैं।